पंचकुला के सेक्टर 5 यवनिका पार्क में पतंजलि योग समिति द्वारा आज गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया, जिसमें स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की सूक्ष्म उपस्थितियों को दर्ज करते हुए हवन आदि क्रिया कराई गई। शिविर के उपरांत पौधा वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें सभी साधकों द्वारा व आम जनता को पौधे बांटे गए। मंत्र के बाद एक ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदसे नेधस्य वर्धस्व चेदावर्धाया चास्मान् प्रजया पशु कृमम वर्चसे नानाधेन समिखय स्वाहा इदमग्नि जात वेदसे इदन्मम। इस मंत्र में अपना का हे घटपटवासी भगवान, मेरी आत्मा तेरे लिए इदन रूप है, जैसे कि यह समिधा अग्नि की आत्मा है, मुझ में तू प्रकाशित होकर प्रेरणा का, जैसे मैं कल्याण मार्ग का पथिक बन सकूं। अब दो मंत्रों के बाद अगली आप समिधा इसमें ओम समिधा अग्निम दुवस्य तग्रितैर बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतना स्वाहा ओम सुसमिधाय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम् अग्ने जात वेदसे इदन्मम। विनय जी, आपसे निवेदन है, हर एक चीज अर्पण की जाती है और अर्पण फेंकना नहीं। हाँ थोड़ा ठीक है, इसी जो सामग्री भी डालेंगे आप लोग तो अर्पण की मेहरबानी, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि हर एक ने ये किया नहीं, अंदर जानते नहीं तो क्या। ठीक है चलिए, अभी ये तीसरी संहिता इसके बाद ओम तन्त्वा सामिभ्यरंगेरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टये स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे इदन्मम। इन तीनों संहिताओं का अभिप्राय यही है कि हमारी आत्मा को ब्रह्म अग्नि में जलाकर उस तरह ज्योतिषमान करे जिससे तीनों लोग जो हों अविद्या से छूटकर विद्या के प्रकाश में रख लें। अब अगला मंत्र जो बोलेंगे उसको 5 बार बोला जाएगा, पहले बार बोलने के बाद उसको मैं आपको समझ, तुम 5 बातें करो। आनंद युक्त मोक्ष रूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है, हम लोग मिलकर सभी उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुरान मेनु भूष्टान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सुख प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने आ रहे सकल सुखदाता